एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल श्री मोटर पे और मैं आपका दोस्त गणेश गुज्जर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई साहब एक और बढ़िया छोटी हैचबैक कार। और जिन लोगों को ब्रांड के शौकीन है स्कोडा में जाने का प्लान कर रहे हैं और बढ़िया शानदार कार चाहिए जो मजबूती हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, गाड़ी चलने में अच्छी हो, दिखने में अच्छी हो और सबसे अच्छी बात कि वो हमारे बजट में हो, हमारे पॉकेट के अनुसार हो, तो ऐसी एक बढ़िया शानदार कार लेकर आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फाबिया की जो कि 2012 की है। गाड़ी फर्स्ट ओनर बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। जैसी श्री मोटर गाड़ियाँ लेकर आता है सेम बेसिक कंडीशन में। अगर यहाँ हम लोग गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो आप देखेंगे लाइट दोनों बढ़िया कंडीशन में है, ग्रिल वगैरह बढ़िया है, बोनट और बम्पर पूरा अगर देखें आप तो पूरा बढ़िया कंडीशन में। कहीं कोई नहीं लेने के बाद में हमको डेंट करवाना है, स्क्रेच करवाना है, ग्रिल चेंज करवानी है, लाइट चेंज करवाना है या बोनट ठीक करवाना है, कुछ भी कोई काम एक रुपये का भी इस गाड़ी के अंदर अभी आपको कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही शानदार कंडीशन की और वेल मेंटेन कार है। इसके पुराने ओनर ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया और अगर आप भी रखते हैं तो बहुत बढ़िया आपको काम में आई और बहुत लंबे सफ़र तक आप चला सकते हैं। हम फर्स्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको टायरों की कंडीशन लगभग न्यू कंडीशन है, ब्रांड न्यू कंडीशन में यहाँ पर आपको अलॉयज़ मिलने वाले हैं। ब्रांड न्यू कंडीशन के टायर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं और अलॉय भी लगे हुए हैं। फर्स्ट साइड जो है ये भी बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, बिल्कुल स्क्रेच लेस है, साइड मोल्डिंग वगैरह लगी हुई है। ये एसेसरीज़ का पार्ट है जो कि आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ में गाड़ी की कंडीशन भी बढ़िया है, कहीं कोई ऐसा डेंट स्क्रेच वगैरह नहीं है कि जो आपको तुरंत अभी करवाने का या किसी प्रकार का कोई खर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली साइड में। सबसे अच्छी बात होती है इस गाड़ी के अंदर कि आपको बूट स्पेस भी शानदार मिलता है और मजबूती सेफ्टी का तो जर्मन ब्रांड लगभग हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पीछे वाली साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सफिशियंट बूट स्पेस मिलेगा। पीछे की साइड में भी देखिए आप बम्पर बोनट डिक्की वगैरह सारी चीज़ें जो है बढ़िया कंडीशन में। यहाँ लाइट की कंडीशन भी देखिए आप बिल्कुल एकदम बढ़िया है, मेंटेन है और गाड़ी जो है फर्स्ट ओनर है तो वाजिब है कि बढ़िया कंडीशन में रखी हुई है। हम इस साइड की भी बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम कंडीशन मिलने वाली है, बेसिक की बेसिक कंडीशन में जैसे हम लोगों ने फर्स्ट साइड देखी थी सेम बेसिक कंडीशन आपको सेकंड साइड भी मिलने वाली है। टायरों की कंडीशन भी सेम ही है और यहाँ पर आपको अलॉय साथ में मिलने वाले हैं तो गाड़ी जो है गाड़ी रोड से चिपक कर चलेगी, रोड का प्रेजेंट जो रहेगा जब भी आप उसको टर्न करेंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा पता ही नहीं चलेगा कि यार कब गाड़ी आपने टर्न कर ली है। आइए अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, फिर मैं बताता हूँ प्राइस क्या होने वाला है। बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी में आप लोगों को दो एयरबैग मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में इसमें आपको स्कोडा का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, कंपनी फिटेड एसी मिलने वाला है और चारों पावर विंडो मिलेंगे। गाड़ी के अंदर की कंडीशन जो है बहुत ही शानदार है, सीट कवर वगैरह प्रॉपर है, मैटिंग भी आप देखेंगे बढ़िया है। डोल टोन इंटीरियर आप लोग देखेंगे यहाँ पर मिलने वाला है, ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है और स्पेस भी काफ़ी शानदार है। अगर हम लेग रूम देखें, हेडरूम देखें, सफिशियंट है और लगभग 69,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है गाड़ी, बहुत ही शानदार कंडीशन में। जो इसके पुराने ओनर थे उन्होंने उसको वास्तव में काफ़ी बेहतर तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है और अभी तो मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसा काम नहीं है लेने के बाद में कि काम करना पड़ेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, गियर नॉब से ही पता चलता है। और गाड़ी के हम अगर अंदर की कंडीशन देखते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो ये सब चीज़ें बताती है कि वास्तव में गाड़ी जो है बाकायदा मेंटेन की हुई है। पीछे की सीट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो सफिशियंट स्पेस आप लोगों को मिलने वाला। आइए पीछे के साइड में भी अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको स्पेस सफिशियंट मिलने वाला है। जैसे मैं एक साइड बैठा हुआ हूँ उसके बाद में भी यहाँ आराम से दो लोग सफिशियंट तरीके से बैठ सकते हैं और लेग रूम हेडरूम तो बढ़िया ही इस गाड़ी में आप लोगों को दिख ही रहा है, मैजिक होल्डर दिया हुआ है यहाँ पर और सफिशियंट है। पीछे भी विंडो वगैरह आप लोगों को मिलने वाले। सबसे अच्छी बात है कि सेफ्टी बढ़िया है, गाड़ी भी मजबूत है, दिखने करने में भी बढ़िया, घर के सामने खड़ी रहेगी तो लगेगी भी कि यार वास्तव में आप कुछ लेकर आया हो। तो आइए हम बात करते हैं आप इंजन की, उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। आइए तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इंजन। गाड़ी का इंजन जो है बहुत ही शानदार है, यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और गाड़ी बहुत बढ़िया है चूँकि पेट्रोल इंजन है तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। पूरा इंजन वगैरह जो है बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, आप ये देख सकते हैं टेफ्लॉन भी बहुत बढ़िया है, अभी अच्छी कंडीशन में कोई कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी में कहीं जंग लगा हुआ है, डेंट स्क्रैचेस है और कहीं कुछ नहीं, पूरी ओरिजिनल गाड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, बढ़िया कंडीशन की ये कार है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के डिटेल की। गाड़ी जो है भाई साहब 2012 की है, फर्स्ट ओनर है, 69,000 किलोमीटर चली हुई है और ये इसका एलिगेंस वाला वेरिएंट है पेट्रोल इंजन में। काफ़ी शानदार कंडीशन में रखी हुई ये कार जो है आप लोगों को मिलने वाली है श्री मोटर पे और इस गाड़ी का प्राइस जो है हम लोगों ने रखा है बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस, 2,65,000 रुपये हमारी इसकी डिमांड प्राइस है। फाइनेंस भी अगर आपको चाहिए होगा तो बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा। तो भैया ये गाड़ी अपने घर ले जाने के लिए तुरंत फ़ोन लगा के इस गाड़ी को होल्ड कर ले इससे पहले कि कोई और व्यक्ति इस गाड़ी को लेकर चले जाए, क्योंकि कम कीमत की ये जो गाड़ियाँ हैं ये बहुत कम मिलेगी आप लोगों को। मतलब 2,65,000 रुपये प्राइस में आप लोगों को मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो हो सके इसके कम्पिटिव मतलब इसके कंपटीशन की कोई गाड़ी आप लोगों को ना मिले। तो अगर ये गाड़ी आप लोगों को लेना है तो तुरंत फ़ोन लगा के गाड़ी पहले होल्ड कर दे और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर आप नए दर्शक हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहे श्री मोटर के साथ में और ये खूबसूरत पाबिया गाड़ी को अपने घर लेकर जाए। जय हिंद जय भारत।